सेना सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी, ये कहकर कि वहां जो अराजकता है उसको सिर्फ सेना नियंत्रित कर सकती है, दोबारा चुनाव के हालात बनेंगे, क्या होगा, ये सभी सवाल अब बांग्लादेश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हुए हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से बाहर निकल चुकी है मिलिट्री के हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, काफी दूर से ये वीडियो बनाया गया है, लिहाजा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अपने चुनिंदा भरोसेमंद लोगों के साथ इसमें शेख हसीना बताया जा रहा है कि वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकल चुकी हैं। इन सब के बीच पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का हमला किया गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, दीपक वोरा साहब, बहुत बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में शांति रही थी लेकिन अब जो अस्थिरता है, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। और बोरा साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर और आ गई है, सेना प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आप सवाल ये उठता है कि जो वहां की प्रमुख नेता हैं वो तो बाहर निकल चुकी हैं, ऐसे में अब जो ये बैठक हो रही है किन नेताओं के साथ हो रही है, क्या इसमें जो शेख हसीना की पार्टी है उसके भी नेता लोग शामिल हैं, सभी दल के नेता अगर हैं, या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक हुई है, या सत्ताधारी बैठक दल के जो नेता हैं वो भी इस बैठक में हैं। सेना प्रमुख ने नेताओं के साथ बैठक की है, ये बड़ी खबर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सेना प्रमुख ने वहां इस्तीफा देने के लिए बोला और शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, देश से बाहर निकल गई। इस बीच सेना प्रमुख अब से थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे, बांग्लादेश राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक लगा करके। क्या मिलिट्री रूल आने वाला है बांग्लादेश में, ये बड़ा सवाल है, या फिर अब कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इन सवालों के भंवर में फंसा हुआ है बांग्लादेश का भविष्य। बांग्लादेश जो पिछले कुछ समय में आर्थिक मोर्चे पर अच्छा कर रहा था, आर्थिक मोर्चे पर काफी प्रगति की है शेख हसीना के राज में, लेकिन अब जो सियासी संग्राम यहां पर छिड़ा है और सियासी उथल पुथल हुई है, इसका असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दीपक वोरा साहब जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। दीपक वोरा साहब, बांग्लादेश की उथल पुथल का भारत पर क्या असर, फिर से रोकना चाहेंगे आपको, एक और बड़ी खबर आ गई है, भारत पहुंची है शेख हसीना, बहुत बड़ी खबर, भारत पहुंची है शेख हसीना, मित्र राष्ट्र है, अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के बाद वहां से रवाना हुई और त्रिपुरा में अगरतला में लैंड हो चुकी है, अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि वहां जो शेख हसीना को लेकर लोगों की नाराजगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भारत विरोध की लहर और बढ़ेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। शेख हसीना से पहले उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को भी जब मदद की जरूरत पड़ी थी तो भारत ने उनकी मदद की थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, लेकिन वहां सियासी उठापटक चलती रहती है, एक बार फिर से कमोबेश वैसे ही हालात, भारत पहुंची है शेख हसीना, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो बांग्लादेश की अब कहें तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं, अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। बांग्लादेश की अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए वहां क्या है हाल, प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुसे हैं प्रदर्शनकारी, हंगामा कर रहे हैं, वहां से निकल चुकी, अब से थोड़ी देर पहले निकली थी शेख हसीना और भारत पहुंची है, अगरतला में उन्होंने लैंड किया है, उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। बांग्लादेश जहां पिछले कुछ समय से सियासी उथल पुथल मची हुई थी, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात बेकाबू हो गए और हालात इतने विस्फोटक हो गए कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। पहली तस्वीर, गौरव राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गौरव, भारत पहुंची है शेख हसीना, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ हैं वो 4 बजे बांग्लादेश को संबोधित कर सकते हैं, फिलहाल वो ऑल पार्टी मीटिंग भी कर रहे हैं। और इस सबके बीच में जो हम दर्शकों को ये भी समझा दें कि पूरा मामला क्या था, 1 जुलाई को किस तरह से ब्लॉकेट शुरू हुआ था, प्रदर्शन शुरू हुए थे, स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटीज के, तमाम यूनिवर्सिटीज के सरकारी नौकरियों के लिए जो कोटा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए सड़कों और रेलवे लाइन को बाधित करके नाकाबंदी उन्होंने शुरू करी और उसके बाद भी उनका प्रदर्शन उग्र होता चला गया, पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ होनी शुरू हो गई। 16 जुलाई के बाद प्रदर्शन एकदम से बहुत ही तेज हो गया और हिंसा बढ़ गई,
ढाका में प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पों के बाद 6 लोगों की मौत हुई, हिंसा बढ़ती चली गई। शेख हसीना ने सरकार ने देश भर में स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री को फटकार लगाई गई, छात्रों ने शेख हसीना से शांति की अपील को उनको खारिज कर दिया, इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 18 जुलाई को पहली बार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जो है वो सामने आई थी। एक और बड़ी खबर गौरव अपने दर्शकों को बता देते हैं, भारत पहुंच चुकी है शेख हसीना। सबसे पहले जी न्यूज पर ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर शेख हसीना का। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश से निकल करके शेख हसीना पहुंच चुकी हैं भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो अब से कुछ घंटों तक पहले थी, लेकिन अब वो निकल चुकी है वहां से और भारत पहुंची है शेख हसीना। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कहीं ना कहीं इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराता हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, जो कि 1971 में यहां भारत आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी बेटी को यहां इस तरह से भारत आना पड़ा है और बड़ी चुनौती आने वाले समय में शेख हसीना के लिए होगी। और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत की भी नजर पैनी बनी हुई है, क्योंकि ये भारत से बिल्कुल सटा हुआ देश है और वहां पर कोई भी अगर इस तरह की सियासी हलचल होती है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है। आरक्षण को लेकर के जो बवाल शुरू हुआ था वो इतना विकराल हुआ कि आखिरकार शेख हसीना की सरकार उसमें भस्म हो गई। सौमित सेन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौमित, त्रिपुरा पहुंच चुकी है और अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बात हुई है, इतना फास्ट मूवमेंट हुआ है। और ढाका से दोनों ही जो सिटी है इंडिया का, एक है अगरतला और दूसरा था कोलकाता, दोनों तरफ ही दोनों जगहों पर ही अरेंजमेंट रखा गया था। तो पास में अगरतला में ही जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उनकी हेलीकॉप्टर लैंड हो चुकी है, लेकिन वहां पर किसी राष्ट्र के राष्ट्रप्रधान को वहां पर रुकने के लिए जिस तरीके से अरेंजमेंट रही है, जिस तरीके सिक्योरिटी चाहिए, ताकि भारत को ये भी कंफर्म करना है कि भारत की सीमा भी सुरक्षित रहे, इसलिए एक हफ्ता पहले ही बीएसएफ की तरफ से एक ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस वक्त जो बताया जा रहा है, शेख हसीना दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश से बंगो भवन, जहां पे प्रधानमंत्री की निवास है, वहां से एक हेलीकॉप्टर में उनकी बहन रेहाना को लेकर वो वहां से रवाना हुई थी। और इस वक्त वो भारत के त्रिपुरा के अगरतला में वो इस वक्त लैंड हो चुकी है उनका हेलीकॉप्टर। और वहां से आगे की क्या रणनीति होगी, वो कहां पे रुकेंगी, यहां पर त्रिपुरा में रहेंगी या फिर उनको कहीं देश के और कहीं पे लेके जाया जाएगा, इस पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। और बाकी अभी जो पता चल रहा है कि बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है गणो भवन, वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग जो उपद्रवी है वो वहां पर भी पहुंच गया, अभी तोड़फोड़ चल रहा है। बिल्कुल, और अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, तो भारत की ओर से किस तरह की चौकसी बरती जा रही है सौमित, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी कि भारत की सीमा पर कहीं कोई इन्फ्लक्स उधर से ना आए। देखिए, पिछले हफ्ते ही भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से ये यहाँ पर एक ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा एक ये भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को साझा करती है, जिसमें से करीब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल में है। और ये 4000 किलोमीटर ही, चाहे वो मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, सभी स्टेट को ये टच करती है। तो बीएसएफ की तरफ से ऑल अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसका जी आपको रोकना चाहेंगे। सौमित, एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में पीएम के आवास में वहां की भीड़ घुस चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आ रही है और ये तस्वीरें देखिए, पीएम आवास के लॉन में यहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशी इस बात की कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और वो वहां से अब निकल चुकी है। पीएम आवास के लॉन में नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसता हुआ और ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह कैंपस के अंदर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। Z News।